कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला आगमन पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष सहित अन्य नेता व विधायक गण मौजूद रहे। इस दौरान विधायक विक्रमा सिंह द्वितीय ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर कार्य कर रही है और इसका परिणाम है उपचुनाव में जीत दर्ज की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है। उन्होंने कहा कि भले ही अन्य राज्यों में विपरीत परिणाम आए हों, लेकिन हिमाचल कांग्रेस वर्चस्व वाला राज्य है और यहां एकजुटता के साथ नगर निगम व विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अलगाववादी सोच को प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम राष्ट्र हित के लिए ऐसा होने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह के साथ मिलकर पार्टियों की नीतियों को जनता तक ले जाएंगे। सब लोग मिलकर कार्य पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रही है। आपने देखा पीछे जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत जो है वो दाखिल करी और चारों सीटों में हम जीते और कांग्रेस पार्टी के लोगों का मनोबल पूरे तरीके से बना हुआ है। ये अलग बात है कि कुछ और राज्यों में विपरीत परिणाम आए, मगर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश प्राइमरीली इज अ कांग्रेस डोमिनेटेड स्टेट एंड वी विल गो यूनाइटेडली। सब लोग मिलकर, चाहे वो आपके अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। और जो कुछ नए यहाँ पे लोग अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो जिन सोच को लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को, अलगाववादी सोच को हिमाचल प्रदेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं और इस तरीके की कोई भी मूवमेंट हिमाचल प्रदेश के हम होने के अंदर नहीं होने देंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है, उसमें लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, अभी जो हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं सुखू जी, और पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे हैं कुलदीप राठौर जी, और जो हमारी नई अध्यक्षा बनी है, हम सब मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हम सब करेंगे। सर, न्यू टीम से कितना बूस्ट मिलेगा, क्योंकि न्यू टीम का जो गठन, निश्चित तौर से सोनिया गांधी जी ने, हमारे जांच साहब ने बहुत मिल बांट के जो है सब लोगों को दायित्व दिया है, सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है एंड आई एम श्योर कि एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारी अध्यक्ष है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और हमारे और जो दिग्गज नेता है, सब लोगों को आगे मिलाकर हम आगे चलेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में फिर से एक बारी वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने का कार्य आने वाले समय में करेंगे। सर, क्या कुलविंदर सिंह जी हो, चाहे माननीय श्री जी एस बाली जी मेरे पिताजी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल और वीरभद्र जी ने तो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा उन्होंने अपनी पार्टी को दिया और हर घर में पूरे प्रदेश में क्रेडिबल फेस जो होता है, उनका एक फेस, उनकी एक छवि जो थी काम करने की, लोगों के साथ, वर्करों के साथ, वो बन चुकी थी। वो कहीं ना कहीं ज़रूर, जब कोई बड़ा नेता जाता है तो बड़ा नेता जाने से कहीं ना कहीं आघात ज़रूर होता है, पर पार्टी ने कलेक्टिव लीडरशिप, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप है और पार्टी ने जो वर्कर है वो सब का सब उनके कामों को भी जानता है, उनकी मेहनत को भी जानता है और जानता है कि जीवन भर उन्होंने पार्टी की सेवा की है, उस चीज़ को भी जानता है, क्योंकि पार्टी ने भी उनको इज्जत मान दिया, हमेशा दिया जब तक जिए। पिताजी को सबसे यंग मिनिस्टर बनाया और हर बार बड़े से बड़ा अहदा दिया, राय साहब को बार बार मुख्यमंत्री बनाया, तो पार्टी ने भी सम्मान दिया और उन्होंने भी पार्टी को हमेशा अपने दिल में, आत्मा में बसा के रखा। तो मुझे लगता है वर्करों की रूह में ये पार्टी है, वर्कर चार्ज्ड है, वर्कर कलेक्टिव लीडरशिप में चार्ज है। आज विक्रमादित्य जी भी यहाँ पे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रतिभा जी भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, और सबसे पहले हम सब बाद में आते हैं, हम सब का नंबर जो है बहुत बाद में है, सबसे पहला नंबर वर्कर का है। जिस वर्कर ने समय बिताया मेरे पिताजी के साथ और उनके पिताजी के साथ, उन लोगों ने जो सीखा और काम किया, निश्चित तौर पर उनके जो मॉरल था और जो उनके प्रिंसिपल थे, उनको आगे लेके चले।